नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्य में तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विकास के नारे के साथ मैदान में है। क्या वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की लहर हरियाणा में भी चलेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा साहब, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि फिर तीसरी बार सरकार बनेगी आपकी? हाँ, जो लोगों का जिस प्रकार से हर वर्ग का जो समर्थन मिल रहा है जहाँ हम जा रहे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या नया आप लोगों को देंगे इस बार? जो आपने विकास की बात कही है, सड़कें पूरे हरियाणा में आप कह रहे हैं कि बनाई हैं, तमाम विकास किया है, तो इस बार नया आप तीसरी बार जो आपने हमने मैनिफेस्टो दिया है और लोगों को विश्वास है जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो 2005 में मैनिफेस्टो में डाला, पूरा हमने जो का त्यों लागू किया। 2009 में जो मैनिफेस्टो में डाला, जो का त्यों लागू किया। जो दूसरे दल हैं वो मैनिफेस्टो में तो कुछ ही कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जैसे भाजपा की और इनेलो की सरकार रही यहाँ 99 से लेकर 2005 तक, तो उसमें कहा था कि बिजली के बिल माफ़ करेंगे तो छोड़ो, किसानों को गोलियों से भुना गया। और कोई भी 200 रुपये पेंशन थी 1999 में, 200 ही छोड़ गए, एक पैसे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो लोग इस बात को समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये अपना जो साढ़े तीन महीने में भी जो चेहरा बेनकाब हो गया है, जो माहौल बनाया था कि भाई अगर केंद्र में सरकार आ गई, एक व्यक्ति विशेष के हित में बना था, वो नीतियों पे वोट नहीं दी थी और वो सब चीज़ों का समाधान कर देंगे। महंगाई एक मुद्दा था, महंगाई को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, उससे उलट हुआ, महंगाई और बढ़ गई और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो उसका नतीजा हुआ, जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हुए, चाहे उत्तराखंड है, चाहे राजस्थान है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे गुजरात में भी तीन कांग्रेस की आई, वहाँ जो इनका सुफड़ा साफ हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और चेहरा बेनकाब हो गया है, क्योंकि ये इसका आम आदमी से, गरीब आदमी से, किसान से, मजदूर से कोई संबंध नहीं, तो बड़े बड़े दंडाटों की पार्टी है। हुड्डा साहब, मोदी की लहर चलेगी हरियाणा में? क्लेम किया जा रहा है बीजेपी और से मोदी आएंगे सब बदल देंगे, लहर चलेगी हरियाणा में, हम सरकार बनाएंगे। मोदी जी तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लोकसभा के मुद्दे और होते हैं, विधानसभा के और होते हैं। और आप देख रहे हैं जब वहाँ उपचुनाव हुए आपके सामने, उनका क्या नतीजा आया लोग समझ चुके हैं। क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार? आपने हरियाणा का इतिहास बदला हुड्डा साहब, दोबारा कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई, लेकिन आपने उसको भी करके दिखाया, तो तीसरी बार आपको भी विश्वास है? कैसे ये विश्वास है और क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार? कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत आएगी तो 2009 में जैसे मेरे नेतृत्व में हुआ तो क्या हुआ, कुछ बातें समझने की होती हैं, कुछ बातें कहने की होती हैं, सबको मालूम है कांग्रेस की ये नीति है, जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है उसको ही मौका दिया जाता है। हुड्डा साहब, विरोधी कहते हैं आपके, आपकी पार्टी के भी सवाल उठा कि सिलेक्टिव विकास हुआ। आप पूरे हरियाणा में घूम के देखो, पूरे हरियाणा का विकास हुआ है। वो विरोधी तो ये कहते हैं यहाँ आएंगे तो कहेंगे यहाँ कुछ नहीं हुआ, बाहर जाएंगे तो यहाँ सब कुछ हुआ है, कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ओल्ड एज पेंशन मिली है तो पूरे हरियाणा में मिली है, 100-100 गज के प्लॉट गरीब आदमी को मिले हैं, पूरे हरियाणा में मिले हैं। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है तो पूरे हरियाणा में मिला है। ये एक जो है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस वास्ते ये बिना आधार की बातें कहते हैं। चौटाला साहब कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी, चौटाला साहब खुद कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि चौटाला के मैदान में आने से कुछ फर्क पड़ेगा? हर बारी करते हो कैंपेन, अब की कोई नया कोई खास बात नहीं है, सब जो भी दल है अपना अपना कैंपेन करते हैं, लेकिन लोगों को 2005 के बाद सब लोग समझते हैं किस प्रकार का उनका प्रशासन रहा, किस प्रकार की यहाँ लूट और झूठ का राज रहा, लोग सब समझते हैं इसके बाद। आपका मुकाबला किससे मानते हैं हुड्डा साहब? आप INLD है, BJP है, किससे आपका मुकाबला? जो दूसरे नंबर पर रहेगा। कौन आपको कौन लगता है? जो भी दूसरे नंबर पर रहेगा तो लोग फैसला करेंगे। ये भी एक खबरें हैं कि चुनाव हंग असेंबली की अभी से बातें हो रही हैं कि चुनाव के बाद चौटाला और बीजेपी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन अभी एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं, वो आरोप भी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का तो बयान यह है कि हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, बाकी वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन बहुमत कांग्रेस पार्टी का आ रहा है तो ऐसी स्थिति आनी नहीं। हुड्डा साहब, अगर कहीं कमी रह गई, जैसे दूसरी बार सरकार बनी थी 2009 में तो कुछ पार्टियों से MLA टूट के आपके साथ आ गए थे, आपने आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप सक्सेसफुल सरकार चलाते हैं,
चाहे किसी ढंग से, तो आपको ये लगता है कि हुड्डा साहब इस बार अगर जरूरत पड़ी तो आप किसी और से हाथ मिलाएंगे? ऐसा है, मैं नहीं समझता हूँ जरूरत पड़ेगी। जो आप लोगों ने 10 साल का प्रशासन देखा है, जो माहौल आपस में भाईचारे का है, कोई अप्रिय घटना इस किस्म की नहीं हुई, और जो विकास हरियाणा ने किया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैंने जब लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका खुद स्वयं मैंने भाषण सुना, उत्तर प्रदेश में दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि प्रदेश का प्रमुख जो विकास का पैमाना होता है वो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय होती है, और उत्तर प्रदेश वालों कह रहे थे कि देखो आप लोगों की यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 33,000 रुपए है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, और मुकाबला गुजरात से कर रहे थे क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय वो, कि गुजरात में 75,000 है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, उन्हीं की बात पे आप देखें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,35,000 है। तो हरियाणा ने विकास किया है, 14वें नंबर से एक नंबर पे आया है, तो ये जरूर है कि जो हरियाणा के विकास को और जो आपस में प्रेम बढ़ा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाएगी और बहुमत की सरकार।